तो भाई ये 26 है, 28 है, 27 है, कितने? ये ना 26 है ना 28 है। पंजाब में ना भाई अपना सिस्टम का और अलॉय व्हील्स का बहुत ही तगड़ा शौक है ना, है मेन चीज भाई इसके। एक तो इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स और जो कि अपने भाई ब्लैक एंडेवर के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। तो कंपनी से इसमें दो वूफर आते जाते हैं और भाई ने एक और एड ऑन कराया हुआ है, यानी तीन वूफर हो गए इसके अंदर अपने, है ना। डेढ़ करोड़ दा किला नी शहर मोहाली कोठी पाली गेड़ा सेक्टर करन सलामा लोकी जाके हाथ फुड़े हारा हारा रूपी कोना मरकाए जट्ट उच्चिया रखिया नारा वो जट दे पिछे पर तू मैनू बाली जाची दी Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूं सब बढ़िया होगा और मस्त होगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जैसा आपने भाई टाइटल थंबनेल वगैरह सिनेमैटिक वगैरह सब चीज आपने देख ली होगी। तो भाई एंडेवर दिखाने वाले जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बनाई हुई है भाई ने, तो अगर चेक कराए तो भाई ये देखो भाई क्या अल्टीमेट एंडेवर रहने वाले। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है भाई caraccessoriesstore.net। तो भाई लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो बताता हूँ कि भाई किसी भी भाई को अगर हेडलाइट की दिक्कत है, परेशानी है बल्ब की, मतलब कि आपकी जो कंपनी फिट लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उजाला नहीं दे पा रही है रोड पर बढ़िया तरीके से, तो उन्हीं लाइट को अपग्रेड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया एलईडीज अपने लिए चूज कर सकते हो, जिनको आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो खुद ही, तो घर बैठे भी आप इजीली मंगा सकते हो। हर तरीके की आपको एलईडी लाइट्स मिल जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग, और पेमेंट ऑप्शन भी अपने यार बहुत सारे मिल जाएंगे, ईएमआई का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कि आसान किस्तों पर आप भाई एलईडी लाइट्स वगैरह या बेसिक जो एसेसरीज होती है कार की, जो भी आपको चाहिए सब ए टू जेड मिल जाएगी। कार एसेसरीज अपनी सारी मिल जाती है एक ही वेबसाइट पर। तो अगर बात करें तो एलईडी बल्ब आपको मिल जाएंगे किसी भी तरीके, बहुत बंदे सोचेंगे जैसे कि भाई छोटी गाड़ी है जिनके पास अल्टो 800 हो गई अपनी सिलेरियो वगैरह, तो उनमें भाई ये सोचेंगे कि भाई अगर ज़्यादा वोल्टेज वाली हम एलईडी लाइट लगेंगे तो उससे कुछ दिक्कत परेशानी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कितनी भी छोटी कार हो कुछ भी हो उसमें आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, बैटरी पे कोई भी इशू नहीं आने वाला। बात करते हैं बहुत सी कार ऐसी होती है जिनमें भाई फोग लैंप भी यूजफुल नहीं होते, तो फोग लैंप भी आप अपग्रेड कर सकते हो, GTR के अपने फोग लैंप मिल जाएंगे, IPS मिल जाएगा, जीवा का प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको, वो सारे आपको इसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वर्ना वगैरह में और सोनेट और किया सेल्टोस वगैरह में 2 इंच के प्रोजेक्टर लगते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब कि आपको 2 इंच वाला प्रोजेक्टर भी आपको किया सेल्टोस वर्ना वगैरह के लिए मिल जाएगा, जिसमें अपनी छोटे वाला 2 इंच का प्रोजेक्टर आता है। इसलिए मतलब आप विजिट करोगे ना पूरी वेबसाइट पे आपको लाइट से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिसको भी ऑर्डर करना हो इजिली कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स वगैरह भी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह जो कि भाई ओरिजिनल होता है मारुति सुजुकी का, और भी आप ले सकते हो OEM एसेसरीज वगैरह, तो सारी आपको इजिली एक ही स्टोर पर मिल जाएगी, जैसे कि अपना टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग, मतलब कि जितने भी जिसकी कार बेस मॉडल है उसको टॉप भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको एसेसरीज वगैरह सारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करें तो उससे भी मतलब कि जितनी ओवरऑल सारी एसेसरीज लगती है ना कार में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो सारी आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी, इजीली आप जाके विजिट कर सकते हैं caraccessoriesstore.net।
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके भाई क्लिक करें और ऑर्डर करें और आसान किस्तों पे आप अपनी कार को भाई मॉडिफाइड करा सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो हमारे साथ है इंदिर भाई, तो कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया। और भाई ये एंड लग रही है, एक तो भाई की पर्सनैलिटी देखो और साथ में भाई एंडेवर का जो इस टाइम पे वो लुक आ रहा है अल्टीमेट। तो भाई ये अपने अलॉय व्हील वगैरह देख सकते हो, तो इसका भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है इस वाले अलॉय का, और वो भी एंडेवर में। तो सबसे पहले अपने डिलोन प्रीत भाई ने लगाए थे, है ना? और आगे की तरफ आए तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो भाई मॉडल वगैरह कौन सा इसका है? 19 मॉडल है, 2019 वेरियंट टॉप है। कौन सा ये टॉप एंड वेरियंट रहने वाला है? तो अगर दिखाई जाए तो भाई फ्रंट से है, ये है कुछ इस तरीके की। तो भाई इसमें एलईडी वगैरह चेंज है इसके अंदर? हाँ जी चेंज है। तो कितने वोट है अपना ये? ये 110 वोट है हाई बीम। अच्छा 110 वोट हाई बीम, और नीचे प्रोजेक्टर में भी अपनी हाँ जी लगी हुई है। हाँ जी। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जैसे कि बंदे आजकल फेसलिफ्ट वगैरह करा रहे, तो वो पसंद नहीं है भैया? नहीं नहीं वो नहीं पसंद है। ये बढ़िया लगती है ना? हाँ। इसमें एक बोनट का हुड भी आता है, मतलब बहुत सारी चीज आती है, फोर्ड वाले ग्रिल वगैरह, तो वो भी भाई सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो भाई को है अलॉय का शौक, है ना? हाँ जी। ऐसे लग रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो जब डलवाने गए थे तो भाई इससे पहले अलॉय थे या नहीं थे इसके अंदर? है थे, पहले 22 इंच थे सिल्वर। अच्छा पहले 22 इंच थे, यानी कि देखो भाई पंजाब में आओ और अलॉय ना मिले तो ये तो हो नहीं सकता, है ना? फ्रंट तो भाई ये हो गया। तो अब आते हैं मेन चीज भाई इसके, एक तो इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स, और जो कि अपने भाई ब्लैक एंडेवर के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। तो भाई जब डलवाने गए थे तो यही पैटर्न सोचा था और इतना साइज सोचा था या कुछ और था? साइज तो बस ऐसा था, अभी सबसे बड़ा हो जो शॉप पे वो डलवाना। मतलब कि भाई गए और भाई ने बोला कि भाई जो सबसे बड़ा है वो दे दो, है ना? तो भाई को फिर निकाल के दे दिया ये वाला, फिर भाई ने ये इंस्टॉल करा लिया। तो आज से भाई कितने महीने या साल पहले करवाया था ये? साल हो गया। मैं भी साल हो गया। तो भाई ये चेक कर सकते हो, अगर मैं इसकी प्रोफाइल अगर दिखाना चाहूँ तो भाई इसकी है 305/30R26। तो भाई ये 26 है, 28 है, 27 है, कितने ये? ये ना 26 है ना 28 है, ये है 27। तो यानी कि जैसा देखते हैं बंदे की 28 भी होते हैं, तो 28 है या नहीं है? 28 तो अभी तो नहीं है इंडिया में, है नहीं नहीं है, बस लेकर आ रहे हैं थोड़े 3-4 दिन तक। अच्छा तो भाई ने इंपोर्ट कराए हुए हैं तो वो आ जाएंगे जल्दी, तो भाई की कार में आपको देखने के लिए भाई वो मिल जाएंगे, है ना? तो ये है अपने जैसे भाई बता रहे 27 है ना। तो भाई इनकी क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी? कॉस्ट तो इनकी जब 4-5 लाख के पड़ गए थे। 4-5 लाख रुपए? तो ये देख सकते हो, मतलब वर्थ लगा कि पैसा खर्च करा और वसूल हुआ वो? तो पूरा लोग रुकते हैं देखने के लिए गाड़ी। अरे वाह। तो भाई ये देखो, मतलब पब्लिक रिएक्शन बहुत अल्टीमेट होते हैं। तो भाई ये देख सकते हो क्या अल्टीमेट लगी रही है। जब लगवाने गए थे तो कुछ कटिंग वगैरह भी हुई थी इसमें? नहीं हुई थी, माड़ी मोटी टचिंग हुई थी बस, यहाँ थोड़ी थोड़ी, ये देखो ये हुई हुई है ना, थोड़ी थोड़ी हुई हुई थी बस। ये देखो इस तरफ से, और वैसे तो अंदर बहुत स्पेस है इसके अंदर, है ना? जैसे ड्राइवर है जितने मर्जी बड़े डलवा लो, कोई बात नहीं। अरे वाह। तो ये तो है, अब जैसा 28 अपग्रेड करने वाले हो, हाँ जी, तो उनका पैटर्न कैसा, इस तरीके का रहने वाला है कुछ अलग ही रहने वाला है? वो तो इंडिया में है नहीं, इंडिया में है नहीं, है ना? है ही नहीं, मतलब वो फर्स्ट रहने वाले अपने। तो उनकी क्या कॉस्टिंग है लगभग? वो तो काफी महंगे हैं, वो 7-8 लाख के पे। 7-8 लाख के? तो भाई साहब उसमें तो एंडेवर बिल्कुल ही खिल के लुक आएगा ना। और अगर एवरेज की बात करें तो इन पे क्या एवरेज वगैरह दे रही है? अब तो एवरेज आप पूछो ही ना मत, खत्म ही है। 3-4-5 बस। 3-4-5 भाई साहब, 3-4-5 की एवरेज। वही है कि जब शॉक कर लो या ये देख लो ना सारी पेट्रोल वगैरह। तो अगर मैं साइड दिखाऊँ तो ये फुट स्टेप भाई ने हटाए हुए हैं, जिससे कि इसकी जो हाइट है वो और ही बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है ना। तो इस तरीके से ये हो गई है। तो जैसे भाई ये ब्लैक कलर है, अभी वॉश होके आई और फिर इस पे चीटे लग गई है ना, तो मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक तो ब्लैक कलर को ना। तो भाई जैसा बता रहे कि इस पे पीपीएफ वगैरह कराएंगे, ब्लैक पीपीएफ, उस पे फिर ओके रिपोर्ट हो जाएगी, अलॉय लगवा के फिर करवाएंगे। अच्छा मतलब अलॉय लगवा के फिर उसके बाद। तो पीछे की तरफ से आते हैं, तो पीछे से अगर दिखाई जाए तो भाई रिफ्लेक्टर एड ऑन है, इधर जो ये बार आती है ये इसमें लाइट वगैरह जलती है सारी चीज, दोनों चेंज करवाएंगे। अरे भाई दोनों चीज चेंज है। तो बाहर से हो गई है कुछ इस तरीके की, सिस्टम वगैरह अपना भैया क्या रहने वाला है इसमें? सिस्टम भाई किकर का सबवूफर है। एक बार डिग्गी ओपन करेंगे? हाँ जी। तो भाई साहब आपको अगर एंडेवर में ना कंपनी से भी बहुत बढ़िया सिस्टम आता है अपना ना, तो भाई ने देखो ये अपग्रेड कराया हुआ है, ये देख सकते हो। देखो पंजाब में ना भाई अपना सिस्टम का और अलॉय व्हील्स का बहुत ही तगड़ा शौक है ना। तो ये अपना किकर कितना आ रहा है वैसे? ये हूँ मुझे कुछ नहीं याद। अच्छा भैया कुछ नहीं बताना, तो ये गांव पहले डलवाया था। हाँ। तो ये है, अब आते हैं अंदर की तरफ, अंदर आ जाओ भाई। तो बाहर से तो भाई ये कुछ हो चुकी है, और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ये लुक है इस साइड से भी, ये देखो अंदर आ जाओ। तो भाई साहब ये देखो भाई इतनी ऊंची है, अगर मैं कोई बंदा ना छोटी हाइट का है वैसे हो तो उसको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर में, और अपना सायरन वगैरह भी रहने वाला है? हाँ जी
सायरन दिखाना, वो कौन सा वाला है अपना रिमोट वगैरह? रिमोट तो अब मैं घर भूला है। अच्छा अच्छा, मतलब सायरन वगैरह सब चीज़ों की रिपोर्ट रहने वाली है। तो अब इसका ना आउटपुट सुनाते हैं किस तरह क्या आने वाला है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। अब सिस्टम अपना भाई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। और अगर बात करें ना तो कंपनी से इसमें दो बूफर आते जाते हैं और भाई ने एक और एड ऑन कराया हुआ है, यानी तीन बूफर हुए इसके अंदर अपने आना। तो मतलब जो कंपनी से थे उसमें मजा नहीं था क्या भाई? बस आपको पता ही है तो और भी चाहिए, और भी चाहिए है ना। तो ये कुछ है भाई बूफर का। तो बूफर का कितने का क्या प्राइसिंग पड़ी थी अपने? जब तो एम्प वगैरह डालकर सब कुछ 60-70-80 हजार का लग गया सब कुछ। अच्छा, ये सारा कीकर वगैरह का। तो भी ना भैया कह रहे थे इसकी एक साउंड हो रहा है कि क्या, कौन सी साउंड बता रहे थे भैया आप? गाड़ी की। हाँ गाड़ी की, गाड़ी की। हाँ, साइलेंसर में थोड़ी आवाज चेंज है। एक बार चलो करना, एक बार मैं देखता हूँ। तो भाई ये देखो, भाई कह रहे हैं कि चेंज है तो करना भैया। ये देखो, अच्छा अच्छा। तो भाई ये देखो इधर ना, वो है ये विसल वाली जो एक इसमें वो सीटी आती है वो इंक्लूड है शायद, है ना? थोड़ी सी साइलेंसर में थोड़ी सेटिंग करी हुई है, उसकी भी चेंज है। वो सीटी नहीं लग रही है अब। अच्छा, पूरी तरह सीटी लगी हुई है। हाँ हाँ, थोड़ा चेंज है इसमें, चेंजेस है ना। तो मतलब एग्जॉस्ट वगैरह कुछ एड ऑन नहीं, बस उस तरीके से। पर बात करें तो और भी है क्या क्या चीज इसके अंदर रहने वाली है? और तो लाइट्स और नीचे लगवाई हुई है, मतलब अंडरबॉडी लाइट रहने वाली है। तो वो दिल्ली यहाँ की, इंडिया की नहीं है क्या? वो नहीं, इंडिया से नहीं है, वो बाहर से करवाई हुई है, यूएसए से मंगवाई हुई है। तो वो किस तरह जलती है वो आपको साइड में दिखी रही होगी। तो ये तो ये हो गई सारी चीज अपनी। तो भाई ये तो ये हो गई, तो हमने टोटल सारी चीज दिखा दी। कुछ रैबरी कार में बिल्कुल, वो तो सारे पता है आपको। ऑटो पार्क वगैरह तो आपको ऑटो पार्क की जरूरत पड़ती नहीं होगी, है ना? नहीं, नहीं। तो भाई उससे पहले तो भाई खुद ही लगा देते होंगे पार्किंग में आना। तो ये तो ये होगी सारी चीज। तो भाई अब ये बताओ कि टोटल पूरी गाड़ी में कितना पैसा लग गया होगा? टोटल अलॉय वगैरह सिस्टम वगैरह मिला मिलू के? टोटल तो भाई याद ही नहीं। अलॉय कितने के थे अपने? 4-5 लाख। 4-5 लाख के हो गए। और मतलब ये कोई 6 के आसपास का अप्रोक्स अपने लगाया हुआ है ना कार में। 80-90 हजार के सिस्टम लगा था, लाइट्स वगैरह। हाँ लग गया था तब, तो सब कुछ मिला के वैसे 8 लाख लग गया था, है ना? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है? हमारा तनुवा 55। बिल्कुल, जाके भाई को फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर चली रही होगी जैसे आपको पता है। और अपना भी फॉलो कर लेना, इतनी मेहनत से और इतनी दूर आए हैं। तो भी भैया हम कहाँ पर आए? इधर कड़ुआ खरड़ के पास, कड़ुआ। अरे वाह, तो भाई इतनी दूर आए हुए हैं, दिल्ली से बहुत दूर है। आप सभी के लिए इतनी धूप में भाई शूट करा। भाई ये धूप हो रही है नहीं हो रही बार? बहुत धूप है। तो जो मेहनत है ना, मेहनत सफल हो जानी चाहिए। बस जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर देना। यहाँ तक वीडियो देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।